वेलकम टू ओनली स्वागत है आप सभी लोगों का करंट अफेयर्स रिवीजन फॉर इंटरनेशनल करेंगे इस सेशन का फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल वर्ल्ड हेरिटेज इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग एंड रिसर्च एशिया पैसेफिक के बारे में शॉर्ट फॉर्म uh, निकल के आता है WeTrap. तो जो व्हीट रैप है उसने अभी सीपीटी यूनिवर्सिटी प्रोग्राम देखिए सीपीटी यूनिवर्सिटी जो है वो गुजरात में लोकेटेड है तो गुजरात की एक यूनिवर्सिटी का एक प्रोग्राम है जो कि हेरिटेज जो वेरियस uh, हेरिटेजेस है इंडिया में उनके कंजर्वेशन और रीजनरेशन के लिए वर्क करता है तो इनका ये जो प्रोग्राम इसके लिए स्पेसिफाइड है उसे अप्रिशिएट किया है इस विट रैप ने और इसे कमेंडेड केस बताया है कि आप बढ़िया काम कर रहे हैं अगर हम विट रैप के बारे में बात करें ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है हेरिटेज कंजर्वेशन के एरिया में काम करता है यूनेस्को के अंडर में वर्क करता है और एकमात्र ऐसा इंस्टीट्यूशन इनफैक्ट पहला एकमात्र नहीं कहेंगे पहला कहेंगे जिसे डेवलपिंग कंट्री में स्टेब्लिश किया गया ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन है यूनेस्को के अंडर में तो काम करता है लेकिन अपने हिसाब से अपनी पॉलिसीज वगैरह फ्रेम करता है इसका काम है कि 1972 में जो एक वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन हुआ था जिसमें हमने कहा था कि हम दुनिया भर में जो हेरिटेज साइट्स हैं उनको कंजर्व करेंगे स्पेसिफिकली एशिया और पैसिफिक रीजन में उसे इंप्लीमेंट अच्छे से किया जाए ये काम इस बॉडी का है इंस्टीट्यूशन का है ऑर्गेनाइजेशन का है अगर इस कन्वेंशन के बारे में आप जानना चाहें तो ये कन्वेंशन 1972 में हुआ था दुनिया के नेचुरल और कल्चरल हेरिटेज को प्रोटेक्ट करने को लेकर एक कदम था ये इसमें अगर कोई स्टेट पार्टी है जो इसका हिस्सा है उसकी ड्यूटी बनती है कि वो पोटेंशियल साइट्स को आइडेंटिफाई करे और उन्हें प्रोटेक्ट करने का प्रयास करे अगर किसी कंट्री ने इस कन्वेंशन को साइन किया है इसका मतलब वो प्लेज करता है कि वो जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं उसके देश में सिचुएटेड हैं उनको भी कंजर्व करेगा और जो उसके नेशनल हेरिटेजेस हैं उनको भी प्रोटेक्ट करेगा हमारा नेक्स्ट आर्टिकल इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट के बारे में है हाल ही में इस फंड ने एक कमिटमेंट की है क्लाइमेट चेंज को काउंटर करने के लिए इनके पास जो भी फाइनेंस है आप उसे क्लाइमेट फाइनेंस कह लीजिए उसका 30 परसेंट ये खर्च करेंगे जो स्मॉल स्केल एग्रीकल्चर है उसके लिए जहां पर वो कोशिश करेंगे कि जो नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस हैं उन्हें ऑप्ट किया जाए जिससे ग्लोबल वार्मिंग ना हो क्लाइमेट चेंज ना हो तो ये अमाउंट इन्हें 2030 तक खर्च करना है 30 परसेंट जो भी इनके पास है क्लाइमेट फाइनेंस बात करते हैं इस फंड के बारे में तो देखिए ये जो इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट है ये एक स्पेशलाइज्ड इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है ये फंड एक इंस्टीट्यूशन की तरह वर्क करता है यूनाइटेड नेशंस के ये पॉवर्टी इरेडिकेशन और जो डेवलपिंग कंट्रीज में रूरल एरियाज़ हैं उनके डेवलपमेंट के लिए प्रयास करता है और जो भी इसके पास फंड वगैरह है उसे खर्च करता है नाइनटीन में इसे क्रिएट किया गया था ये वर्ल्ड फूड कॉन्फ्रेंस जो नाइनटीन में हुआ था उसी के आउटकम के तौर पे एग्जिस्टेंस में आया था ये देखिए जो मार्जिनलाइज्ड और वनरेबल ग्रुप्स हैं जैसे कि फार्मर्स जिनके पास बहुत कम जमीन है फॉरेस्टर्स पास्टोरलिस्ट फिशरमैन छोटे मोटे जो एंटरप्रन्योर्स हैं उन सबके साथ ही मिलकर काम करता है उन्हें डिजास्टर को लेकर प्रिपेयर करवाता है वेदर की इंफॉर्मेशन देता है टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर करता है और सोशल लर्निंग में भी मदद करता है ये हेडक्वार्टर्ड है इटली के रोम में एक इसके मेंबर्स हैं इंडिया भी मेंबर है ऑब्जेक्टिव यही है कि जो पुअर लोग हैं उनकी प्रोडक्टिव कैपेसिटी को एनहेंस किया जाए मार्केट पार्टिसिपेशन को बेहतर किया जाए जो भी एक्टिविटीज हो रही हैं उन्हें इन्वॉर्मेंटली सस्टेनेबल बनाया जाए और क्लाइमेट रेजिलियस बनाया जाए हमारा नेक्स्ट आर्टिकल ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम के बारे में है मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस एक डेलीगेशन को लीड करते हुए रशिया जाने वाले हैं रशिया जा रहे हैं इनफैक्ट ये पार्टिसिपेट करेंगे सिक्स ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम समिट में जो कि व्लादिवोस्तोक में हो रहा है व्लादिवोस्तोक कहाँ है देखिए ये है रशिया दिख रहा है आपको यहां पर व्लादिवोस्तोक है बिल्कुल नॉर्थ कोरिया के नॉर्थ में और जापान के नजदीक में व्लादिवोस्तोक है ये देखिए ईई एफ ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम जो रशिया का ईस्टर्न पार्ट है वो कंपेरेटिवली रिमोट है ठंडा है वो चाहते हैं कि वहां पर भी इन्वेस्टमेंट आए डेवलपमेंट हो जो रिसोर्सेज हैं उनको एक्सट्रैक्ट किया जाए इसी उद्देश्य से वहां के प्रेसिडेंट ने 2015 में ई इसे स्टार्ट किया इस फोरम को शुरू किया उद्देश्य यही था कि जो रशिया का फार ईस्टर्न रीजन है वहां पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बढ़ावा दिया जाए इंटरनेशनल कोऑपरेशन को एनहेंस किया जाए एशिया पैसिफिक रीजन में में जो कि रशिया की एक सिटी है हर साल ये फोरम इकट्ठा होता है कई सारे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की जाती है वर्ल्ड इकोनॉमी रीजनल इंटीग्रेशन और कैसे नए इंडस्ट्रियल एरियाज को डेवलप किया जाए टेक्नोलॉजिकल सेक्टर को कैसे बेहतर किया जाए इन सभी चैलेंजेस पर बात की जाती है हमारा नेक्स्ट आर्टिकल थर्टींथ ब्रिक्स समिट के बारे में है हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी चेयर कर रहे हैं जो ब्रिक्स समिट है 9 सितंबर से ये वर्चुअली हो रही है 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 इस बार की 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 थीम है इंट्रा ब्रिक्स कोऑपरेशन फॉर कंटिन्यूटी कंसोलिडेशन एंड कंसेंसस की बात की गई है। पहला है कंटिन्यूटी दूसरा है कंसोलिडेशन और तीसरा है कंसेंसस देखिए इंडिया ने चार प्रायोरिटी एरियाज आउटलाइन किए हैं अपनी चेयरमैनशिप में एक तो हम मल्टी सिस्टम में रिफॉर्म की बात करते हैं जहां पर दुनिया के सभी देशों का एक की कॉन्ट्रीब्यूशन है दूसरा इंडिया के लिए टेररिज्म हमेशा से एक बड़ा मुद्दा रहता है तो काउंटर टेररिज्म की भी बात की गई है जहां पर हम कोऑपरेशन फॉर कंटिन्यूटी की बात कर रहे हैं यहीं पर मेन थीम आती है कि हम कंसोलिडेशन कंसेंसस और कोऑपरेशन के माध्यम से इसे काउंटर करेंगे तीसरा फॉर्म है हमारे इस पूरे प्रियोरिटी एरिया में कि हम डिजिटल और टेक्नोलॉजिकल टूल्स का इस्तेमाल करेंगे जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उन्हें अचीव करने के लिए और चौथा है कि हम पीपल टू पीपल एक्सचेंज को भी एनहेंस करने की कोशिश करेंगे ब्रिक्स के बारे में थोड़ी बातें कर लेते हैं देखिए ब्रिक्स एक संक्षिप्त रूप है दुनिया की पांच लीडिंग इमर्जिंग इकोनॉमीज का जिसमें बी स्टैंड करता है ब्राजील के लिए आर रशिया के लिए आई इंडिया के लिए सी चाइना के लिए और एस साउथ अफ्रीका के लिए 2001 में एक ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट हुआ करते थे जिम ओ ब्रिक टर्म क्वाइन किया था इसमें एस बाद में ऐड हुआ है

तो एक्चुअली में नेपली शेरपा लोग होते हैं जो लोग पर्वतारोहण करने के लिए एवरेस्ट या हिमालयन रीजन में जाते हैं ये उनको गाइड की तरह असिस्ट करते हैं मदद करते हैं तो शेरपा जो शब्द है ये एक नेपलिस शब्द है टर्म है यहां पर इसका इस्तेमाल एक रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे किया गया है देखिए जी ट्वेंटी या फिर जी सेवन की जो मीट होती है उसमें दो तरीके से बातचीत की जाती है यहां पर देखिए हम बात कर रहे हैं और भी जो वेरियस मीटिंग्स होती हैं खैर हमें तो जी ट्वेंटी से काम है बिकॉज जी सेवन में तो इंडिया है नहीं तो जी ट्वेंटी मीट में दो ट्रैक पे बातचीत होती है फाइनेंशियल ट्रैक पे बात होती है यहाँ पर इकोनॉमिक इश्यूज़ डिस्कस किए जाते हैं इसमें मेजरली पार्टिसिपेशन होता है फाइनेंस मिनिस्टर का और जो हमारे आर के गवर्नर है उनका दूसरा पोलिटिकल फ्रंट पे बात होती है तो पोलिटिकल फ्रंट पे बात करने के लिए इंडिया अपनी ओर से एक शेरपा अपॉइंट करते हैं तो इस बार जो शेरपा अपॉइंट किए गए हैं वो यही पीयूष गोयल जी हैं एक्चुअली भी ये पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं कंट्री के लीडर के लिए जो इस समिट में उनके साथ पार्टिसिपेट करते हैं ये कॉन्सेप्ट जी एट जब पहले हुआ करता था तो उसमें भी था अभी ये जी सेवन है जी ट्वेंटी या जो न्यूक्लियर सिक्योरिटी समिट्स होते हैं उसमें भी ये कॉन्सेप्ट होता है ये निगोशिएट करते हैं प्लानिंग वगैरह बनाते हैं पोलिटिकल फ्रंट पर बातचीत करते हैं ये जो भी एजेंडा है उसे कोऑर्डिनेट करके उस पर कंसेंसस बिल्ड करने की कोशिश करते हैं हाईएस्ट पोलिटिकल लेवल पे बातचीत इनके द्वारा की जाती है शेरपा कोई डिप्लोमेट हो सकते हैं या सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल हो सकते हैं जिन्हें उस कंट्री की के लीडर के द्वारा अपॉइंट किया जाता है हमारा नेक्स्ट आर्टिकल एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में है। इंडिया ने अभी एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ एक करार साइन किया है 112 मिलियन डॉलर लोन का ताकि झारखंड जो हमारा है वहाँ पर वाटर सप्लाई इंफ्रा तो ये एक रीजनल डेवलपमेंट बैंक है मेंबर्स हैं ये एशिया के इसमें सबसे ज्यादा मेंबर हैं फोर्टी नाइन चूंकि एशिया पे कॉन्सेंट्रेटेड है बाकी के भी मेंबर्स बाहर से हैं लेकिन मेजरली जो आपको मेंबर एशियन डेवलपमेंट बैंक में मिलेंगे मिलेंगे वो एशिया से दैट्स फॉर श्योर एशियन डेवलपमेंट बैंक नाम ही है इसका तो बैंक में देखिए यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसेफिक यू स्केप के भी मेंबर आ सकते हैं इसका नाम पहले हुआ करता था इकोनॉमिक कमीशन फॉर एशिया एंड द फार ईस्ट खैर ये याद नहीं भी रहेगा कोई दिक्कत की बात नहीं है और जो नॉन रीजनल डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो भी इसका हिस्सा है लाइक like, हिस्सा है इसको बनाने का जो मैकेनिज्म है वोटिंग राइट right कैसे देते हैं तो बिल्कुल वर्ल्ड बैंक के मॉडल पर यह है जितना पैसा दोगे उतना वोटिंग राइट right मिलेगा सिंपल सी बात है तो आपका कॉन्ट्रीब्यूशन के हिसाब से आपको वोटिंग वेटेज मिलता है तो पांच जो लार्जेस्ट शेयर होल्डर हैं उसमें यूएस सबसे आगे है 15.6 परसेंट पे चाइना 6.4 परसेंट इंडिया 6.3 परसेंट और ऑस्ट्रेलिया 5.8 परसेंट तो यहां पे टोटल देखिए एक दो तीन, चार कंट्रीज की हमने बात करी है ठीक है रोल वही है कि एशिया पैसिफिक रीजन में पॉवर्टी को खत्म करना इकोनॉमिक ग्रोथ ग्रोथ को लेकर आना ऐसी ग्रोथ जो के हिसाब से भी सही हो और पूरे रीजन को इंटीग्रेट करती हो आपस में जोड़ती हो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल ब्रिक्स के लिए है. ब्रिक्स समिट को हमारे ऑनरेबल पी ने चेयर किया हमने लास्ट में भी इस टॉपिक पर बात की थीजन so kind of पांच देशों का एक्म है इंडिया चाइना और साउथ अफ्रीका 2001 में जिम ओनेल ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट थे उन्होंने ये वर्ड क्वाइट किया था ब्रिक इसमें ब्राजील रशिया इंडिया और चाइना थे साउथ अफ्रीका बाद में ऐड हुआ 2006 में ब्रिक के फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई फॉर द फर्स्ट टाइम साउथ अफ्रीका 2010 में इस मीटिंग का हिस्सा बना और तब ब्रिक बन गया ब्रिक्स ये 41 परसेंट ग्लोबल पॉपुलेशन 24 परसेंट ग्लोबल जीडीपी और 16 परसेंट ग्लोबल ट्रेड को कवर करता है जो चेयरमैनशिप है वो बारी बारी से देशों के पास जाती है बी आर आई सी एस इसी क्रम में दो हजार की चेयरमैनशिप इंडिया के पास है 2014 में फोर्टेलेजा जो कि ब्राजील में है छठी समिट हुई थी ब्रिक्स की यहां पर मसौदा तैयार किया गया और एक नया बैंक बना न्यू डेवलपमेंट बैंक चाइना के संघाई में बेस्ड है यहां पर ब्रिक्स कंटीजेंट रिजर्व अरेंजमेंट की भी बात की गई अगर मान लीजिए कोई देश ऐसा है जो स्ट्रेस में है तो उसे थोड़े समय के लिए लिक्विडिटी सपोर्ट भी ये बैंक देता है हमारा नेक्स्ट आर्टिकल यूएस इंडिया स्ट्रेटजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप एस के बारे में है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ने मिनिस्ट्री मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के साथ मिलकर लॉन्च किया है यूएस इंडिया स्ट्रेटिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप ये लॉन्च किया गया अप्रैल 2021 में जब लीडर्स हो रही थी क्लाइमेट के ऊपर तब ये जो पूरा पार्टनरशिप है इसे यूएस इंडिया क्लाइमेट एंड क्लीन एनर्जी एजेंडा ट्वेंटी पार्टनरशिप को संज्ञान में लेकर ही तैयार किया गया है पांच पिलर्स हैं इसके पावर एंड एनर्जी इफिशियंसी रिस्पॉन्सिबल ऑयल एंड गैस रिन्यूएबल एनर्जी सस्टेनेबल ग्रोथ एंड एमर्जिंग

तो इसे सपोर्ट किया गया था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा इनफैक्ट सपोर्ट किया जा रहा है अब ये इनिशिएटिव है किस लिए इस बात को आपको दिमाग में रखना है दो तक हमने प्लान बनाया है नेट जीरो कार्बन एमिशन का ये ग्रुप उन देशों को और कंपनियों को इकट्ठा करता है जो पेरिस एग्रीमेंट के इस टारगेट को अचीव करने में कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं और इस दिशा में काम कर रहे हैं नेट जीरो कार्बन एमिशन जीरो कार्बन एमिशन से अलग है नेट जीरो कार्बन एमिशन का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि आप कार्बन का एमिशन जीरो कर देंगे Rather, अगर आप सौ यूनिट कार्बन का एमिशन कर रहे हैं तो आप कार्बन सिक्सट्रेशन के लिए यानी जो कार्बन को सोखने की तकनीक है उसे इस तरीके से डेवलप करेंगे कि ये 100 यूनिट कार्बन एटमॉस्फेयर के द्वारा सोख भी लिया जाए तो जो नेट मिलेगा दैट विल बी जीरो कार्बन का एमिशन तो हो रहा है लेकिन हम उसे रिड्यूस भी कर रहे हैं तो ये मतलब होता है नेट का फंक्शन की बात करें तो देखिए ये जो इनिशिएटिव है ये पब्लिक प्राइवेट कोलेबोरेशन को इंसेंटिवाइज करता है वेरियस सेक्टर्स में कि सभी एक दूसरे से सीखें इनोवेशन लर्न करें और नई नई टेक्नोलॉजीज के बारे में जानकारी शेयर करें ताकि हम नेट जीरो एमिशन की ओर आगे बढ़ सकें ये कोलेबोरेशन भी इंश्योर करता है पोलिटिकल और इंडस्ट्रीज पोलिटिकल जो प्रिवाइस uh, हैं या फिर पोलिटिकल एंटिटीज जो हैं और इंडस्ट्रीज़ हैं उनके बीच में ताकि हाई लेवल पर डायलॉग्स वगैरह हो सकें और हम इस टारगेट को अचीव करने की ओर आगे बढ़ सकें ये सपोर्ट करता है गवर्नमेंट को और इंडस्ट्रीज को कि सभी स्टेक होल्डर्स मिलकर इस प्रकार के रास्ते निकालें कि हम लो कार्बन इंडस्ट्रीज को डेवलप कर सकें वर्तमान में 16 देश और 19 कंपनी इसका हिस्सा है इंडिया की ओर से डालमिया सीमेंट महिंद्रा ग्रुप और स्पाइस जेट भी इसका हिस्सा है हमारा नेक्स्ट आर्टिकल जी थर्टी के बारे में है अभी हाल ही में जी की एक मीटिंग हुई है इट वॉज अ काइंड ऑफ वर्चुअल इनफॉर्मल मिनिस्टीरियल मीटिंग इंडिया के कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर ने यहां पर पॉइंट आउट किया एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर उन्होंने कहा जो एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर है ये काफी इम्बैलेंड है और ये डेवलपिंग कंट्रीज के फेवर में नहीं है एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर को लेकर इंडिया का रवैया अक्सर तल्ख रहता है इंडिया का ये मानना है कि इसमें एग्रीकल्चर सेक्टर्स के इंसेंटिव को रोका जाता है सब्सिडीज को रोका जाता है जिससे डेवलपिंग कंट्रीज में जो किसान है उन्हें बहुत नुकसान होता है जी थर्टी इसे कई बार फ्रेंड्स ऑफ स्पेशल प्रोडक्ट इन एग्रीकल्चर के नाम से भी पुकार दिया जाता है मतलब इसमें जो देश हैं वो एग्रीकल्चर के फील्ड में काफी रहते हैं। तो ये का एक है। 2003 में जो कैनिकलिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुआ था उसके पहले ही जी थर्टी को बनाया गया था आपको याद रहेगा ये थर्टी थ्री है 2003 के पहले बना था वैसे तो ये ग्रुप 2003 के पहले बना लेकिन 2001 में जो दोहा राउंड ऑफ डब्लू टू हुए थे उसमें भी इस ग्रुप में शामिल मेंबर्स ने आपस में कोऑर्डिनेशन दिखाया था इस ग्रुप को ऑब्वियसली इंडिया डोमिनेट करता है और इंडिया चाहता है कि जो एग्रीकल्चर के सेक्टर में मार्केट को बार बार ओपन करने की बात होती है उस पर अच्छे से सीरियसली बातचीत हो क्योंकि अगर डेवलपिंग कंट्रीज के एग्रीकल्चर मार्केट को ओपन किया जाएगा तो वहां के किसानों को नुकसान होगा वर्तमान में इसमें सैतालीस देश हैं जो कि मेंबर हैं एग्रीकल्चर ऑन एग्रीमेंट यह एक इंटरनेशनल ट्रीटी है की जब राउंड स्टार्ट हुए थे गैट की जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ डब्ल्यू के बनने से पहले एक एग्रीमेंट वर्क करता था जो ट्रेड को रेगुलेट करता था वो गैट था 1945 के बाद से ही ये एग्रीमेंट वर्क कर रहा था लेकिन इसमें बहुत सारी कमियां थी इसी के रिजल्टेंट और राउंड में बातचीत शुरू हुई लगभग काफी लंबी चली है ओवरऑल ये बातचीत 1994 के अंत तक ये सब कुछ क्लियर हुआ और 1 जनवरी उन्नीस को डब्ल्यू एग्जिस्टेंस में आया उर्वे राउंड के कंप्लीट होने के बाद उसी दौरान ये एग्रीमेंट भी एग्जिस्टेंस में आ गया इसका उद्देश्य ये था कि हम ग्लोबल मार्केट को इंटीग्रेट करें ट्रेड बैरियर्स को खत्म करें और ट्रांसपोर्ट मार्केट में बढ़िया ओपननेस लेकर आए देखिए इस एग्रीमेंट में डोमेस्टिक सपोर्ट को काफी फोकस में रखा गया इस बात का प्रयास किया गया कि कोई भी देश अपने यहां ज़्यादा सब्सिडी ना दे जिससे कि ट्रेड डिस्टॉर्ट हो इसमें एग्रीगेट मेजरमेंट ऑफ सपोर्ट को बीस तक रिड्यूस करने की बात की गई छह सालों के भीतर डेवलप्ड कंट्रीज के लिए और तेरह कम करना था दस सालों में डेवलपिंग कंट्रीज़ को

कि कामों में दी जाने वाली सब्सिडी बिल्कुल अप्रूव्ड है इसमें किसी भी प्रकार का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है अब यहां पर देखिए कुछ ऐसे इंसेंटिव्स आते हैं जो ट्रेड को डिस्टॉर्ट नहीं करते लेकिन फिर भी उन पर कुछ लिमिटेशंस लगाई जाती हैं तो ये नॉन ट्रेड ऑब्जेक्टिव से जो सब्सिडी दी जाती है मतलब आप सब्सिडी दे रहे हैं किसानों को इससे फायदा तो होगा लेकिन वो सीधे सीधे ट्रेड को हिट नहीं करता बल्कि आप उनकी स्थिति को बेहतर करने के लिए इंसेंटिव दे रहे हैं बट इसमें भी कुछ लिमिट्स लगाई जाती हैं तो ब्लू ब्लॉक्स में सब्सिडीज अलाउड तो हैं लेकिन लिमिट लगाई जाती है एम्बर बॉक्स में जो सब्सिडी दी जाती है वो ट्रेड को डिस्टॉर्ट करती है इसीलिए इस पर इन लगाए जाते हैं काफी ज्यादा न्यूज में है इस सेशन को क्या है ये जनरल असेंबली यूनाइटेड नेशंस का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है जहां पर जो इंपॉर्टेंट डिलीबरेटिव पॉलिसी मेकिंग काम होते हैं जो भी देश है वो अपने रिप्रेजेंटेटिव यहां पर भेजते हैं जो एक देश हैं तो सभी एक देश यहाँ पे अपना रिप्रेजेंटेशन अवेल करते हैं जैसे जो सिक्योरिटी काउंसिल है वहां पे तो पंद्रह मेंबर ही होते हैं बट यहाँ पे एक सारे होते हैं अब यहाँ पर हर साल सितंबर के महीने में सभी लोगों की मीटिंग होती है जनरल असेंबली के हॉल में ये हॉल है न्यूयॉर्क में यहाँ पर जनरल डिबेट होती है जो भी हेड्स हैं वो अटेंड करते हैं मीटिंग को और पॉलिसी डिस्टेंस भी लिए जाते हैं डिस्टेंस जो भी लिए जाते हैं उसके लिए वोटिंग होती है अगर कोई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जैसे कि सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ किसी नए मेंबर को एंट्री देनी है बजट से रिलेटेड कोई बात है तो ऐसे मुद्दे जनरल असेंबली में टू थर्ड की मेजोरिटी से पास किए जाते हैं बाकी जो जनरल कामकाज होता है वो सिंपल मेजोरिटी से होता है जनरल असेंबली का जो प्रेसिडेंट होते हैं वो एक साल के लिए चुने जाते हैं एक साल का उनका टर्म होता है अभी हाल ही में मालदीव्स के फॉरेन मिनिस्टर अब्दुल्ला साहिद ये दो हजार के लिए प्रेसिडेंट चुने गए मैं आपको बता दूं कि अब्दुल्ला साहिद की जो प्रेसिडेंसी थी इसको इंडिया ने बैक किया था और ये हमारे फेवर में भी है क्रॉस बॉर्डर रिवर मैनेजमेंट के बारे में यानी वो नदियां जो एक दूसरे देश को पार करते हुए दूसरे देश में जाती हैं उनकी वाटर शेयरिंग शेडिंग क्या एग्रीमेंट्स होती हैं और इंडिया के आसपास क्या समस्याएं इसको लेकर है अगर आप इंडिया के स्पेसिफिकली देखें तो एक रीजन है बिहार का नॉर्थ बिहार मिथिलांचल का रीजन वहाँ अक्सर हर साल बाढ़ आती है हम असम में भी हर साल बाढ़ की न्यूज देखते हैं ये लगातार बाढ़ किन नदियों के थ्रू आती है अगर आप सोचेंगे तो पूरा नॉर्थ बिहार का रीजन जो मिथिलांचल के नाम से जाना जाता है उस पूरे रीजन में जो मेनली बाढ़ आती है वो कोसी नदी के थ्रू आती है कभी कभी जो बाकी हिस्सा बिहार या यूपी का है वहां गंगा में भी बाढ़ आती है और जो सबसे भयावह बाढ़ नॉर्थ बिहार में आती है वो आती है कोसी नदी के थ्रू अगर हम असम की बात करें तो वहाँ ब्रह्मपुत्रा के थ्रू कुछ बाढ़ आती है एक बड़ा हिस्सा ब्रह्मपुत्र की वजह से बाढ़ में डूबता है हर साल आखिर गवर्नमेंट ऐसा क्या कर रही है कि वहाँ हर साल बाढ़ आती है और वो कुछ कर नहीं पाती ऐसी क्या वजह है तो इसकी प्रमुख वजह यह है अगर हम कोसी पे स्पेसिफिकली फोकस करें तो वो नदी नेपाल से बह के आती है क्योंकि पहाड़ी एरिया से अचानक वो प्लेन्स में आती है तो बहुत सारा पानी और अवसाद उस नदी के साथ आता है जो अचानक जो अचानक अचानक मेन लैंड है 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 उसमें एंटर एंटर करता है, मतलब प्लेंस में एंटर करता मतलब प्लेन्स प्लेन्स में फ्रॉम टू इतना सारा पानी एक साथ डिस्चार्ज होता है और इंडिया और नेपाल के बीच में जो भी एग्रीमेंट्स है वाटर मैनेजमेंट्स को लेकर वो अभी तक क्लियर नहीं है और जो पुराने एग्रीमेंट्स हुए थे उनके तहत जो डैम्स बिल्ड करने थे या उनको रिपेयर करना था वो भी उतनी एफिशिएंटली नहीं हो पाता इसके लिए बार बार बाढ़ आती है और ये जब बाढ़ आती है जो तबाही हम हर साल देखते हैं हमें बताता है इंडिया को बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंडिया क्रॉस बॉर्डर फ्लड मैनेजमेंट मैकेनिज्म को दुरुस्त करे और क्रॉस बॉर्डर फ्लड मैनेजमेंट के ऊपर काम करे ऑलरेडी इंडिया में जैसे नेपाल की मैंने बात करी जहां कोसी के ऊपर बात है तो इंडिया की ऑलरेडी एक ट्रिटी उनके साथ हुई पड़ी है इसके बावजूद जो समस्याएं हम देख रहे हैं वो है हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्लड्स और इंडिया में स्पेसिफिकली प्रॉब्लम और ज्यादा खतरनाक है क्योंकि इंडिया की जो एट्टी परसेंट पॉपुलेशन है वो केवल चौदह मेजर रिवर्स के ऊपर ही डिपेंडेंट है फॉर एग्जाम्पल गंगा ब्रह्मपुत्र कोसी या गंडक ऐसी नदियों को आप गिन सकते हैं कावेरी जहाँ पर एक बड़ी पॉपुलेशन बड़ा इलाका बड़े शहरों का वो उस पर्टिकुलर रिवर के ऊपर ही डिपेंडेंट है और इंडिया में लार्जली जो भी रीजन नदियों के आसपास है वो काफी वलनरेबल है काफी उनकी स्थिति बुरी है इन टर्म्स ऑफ कैसे वो नदियों के फ्लो को हल्का सा भी अगर चेंजेस आते हैं वहाँ तो एक तो वहाँ पानी की कमी आ जाती है अगर वहाँ हल्का सा भी पानी का फ्लो बढ़ता है तो वहाँ बाढ़ आ जाती है तो अगर हम कंपेयर करें उसको क्या क्या इंडिया के ऐसे अभी एग्रीमेंट्स से अपने पड़ोसी देशों के साथ जहां रिवर्स आ रही है या इंडिया में जहां से पानी जा रहा है उसके बारे में तो हमें एक डॉट पिक्चर पता चलेगी यहाँ जानने से पहले एक चीज जानिए कि जो रिवर बहती है मान लीजिए कोई रिवर हिमालय से शुरू हुई मान लीजिए तिब्बत से कोई रिवर बहनी शुरू हुई तो वही तिब्बत कहाँ है चाइना में है चाइना से वो नदी बह के इंडिया आ रही है और इंडिया से वो नदी पाकिस्तान जा रही है तो चाइना को हम कहेंगे अपर रिपर स्टेट क्योंकि वहां से नदी उत्पन्न हो रही है अपर रिप्रेन अपर रीजन पर है

रुक जाएगा इसलिए जो लोअर रिपरेंट कंट्रीज है वो हमेशा काफी शंका में रहती है कि भाई कहीं हमारा पानी ना रोक ले सारा का सारा एग्रीकल्चर डिपेंडेंट इकोनॉमीज है सारी तो इन सभी को देखते हुए कई सारे एग्रीमेंट्स हुई पड़ी है इंडिया की बाकी देशों के साथ भी और इंडिया कई मामलों में मैगनानिमस रहा है काफी बड़े लेवल पर ट्रीटीज की और काफी सारा पानी लोअर रिपरेंट कंट्रीज को दिया है इंडिया ने जो इंडिया कब्जा कर सकता था लेकिन ऐसा इंडिया के साथ चाइना ने नहीं किया उन्होंने ऐसा कोई एग्रीमेंट इंडिया के साथ साइन किया नहीं है सबसे पहले बात करते हैं इंडिया नेपाल की जहां पर कोसी ट्रीटी हुई थी 1954 में जिसके तहत नेपाल में कई सारे डैम्स बनने थे एम्बैंकमेंट्स बननी थी और फिर वहां पर वाटर शेयरिंग होती है और कुछ हाइड्रोलॉजिकल डैम्स में भी बात चली थी उसके बाद महाकाली ट्रीटी फिर इंडिया नेपाल के बीच हुई है जो अगेन महाकाली रिवर के ऊपर है जहां बात है किस तरह उसके ऊपर डैम्स बनाए जाएंगे कैसे वाटर को मैनेज किया जाएगा जो काफी बृहद ट्रीटीज है खासतौर पर नेपाल इंडिया के साथ वाटर डिस्चार्ज को लेकर ज्यादा दिक्कत नहीं है क्योंकि नेपाल के पास ऑलरेडी काफी ज्यादा पानी है सरप्लस है और वो अपना पानी मैनेज नहीं कर पाते यहाँ मेन विवाद तब आता है जब वाटर शेयरिंग की बात आती है और जो पीक सीजन बारिश का होता है वो सारे फाटक अपने राज के खोल देते हैं जिससे बहुत सारा पानी प्लेन्स में खासतौर पर बिहार और यूपी के रीजन में चला जाता है वहीं इंडिया पाकिस्तान के केस में प्रॉब्लम यह है कि वहाँ लीन सीजन जब गर्मी का सीजन आता है तो पानी बहुत कम होता है और उस टाइम में इंडिया और पाकिस्तान दोनों को पानी की जरूरत होती है तो इंडिया ने वहाँ ऑलरेडी इंडस रिवर के ऊपर पाकिस्तान के साथ एक बृहद समझौता किया हुआ है जिसे हम इंडस वाटर ट्रीटी कहते हैं ये नाइनटीन में हुई थी जो कि वर्ल्ड बैंक द्वारा ब्रोकर की गई थी इसके तहत तीन जो वेस्टर्न रिवर्स है वो पाकिस्तान को अलॉट की गई तीन ईस्टर्न रिवर्स इंडिया को अलॉकेट की जो तीन वेस्टर्न रिवर्स है वो है वो इंडस और चेनाब और जो बची तीन वो इंडिया के हिस्से आई वो थी रावी और सतलुज प्रॉब्लम ये है कि इंडिया इस पूरे इंडस सिस्टम में ये जो छह नदियों हैं ये सारी जितना नदी नदियों जितना पानी फ्लो करता है उसका एट्टी वाटर इंडिया पाकिस्तान को जाना दे देता है और यहां तक कि जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर है उनका भी पानी इंडिया पूरी तरह यूटिलाइज नहीं करता उनमें भी कई सारा पानी पाकिस्तान जाता है और वेस्ट फ्लोइंग रिवर का कुछ हिस्सा बीस परसेंट जो इंडिया यूज़ कर सकता था जो पानी इंडिया स्टोर कर सकता था वो भी इंडिया स्टोर नहीं करता है लेकिन अब जब विवाद बढ़े हैं और इंडिया में खुद पानी का बहुत सारा क्रंच आ गया है तब इंडिया ने कहा है कि इंडियस वाटर पे वो कुछ काम करेगा और पानी को ज़्यादा ज़्यादा यूटिलाइज करेगा जो उसके हिस्से का और यहाँ तक की बातें चल रही हैं कि इतनी मैगनानिम इतनी ब्रह ट्विटी आपने कर रखी है इस देश के साथ जो आपकी बात सुनता ही नहीं तो कैसे इसको सॉल्व किया जाए इसको लेकर बात वहां चल रही है कोशिश है लगातार इसको ठीक करने की और कोई अगर संधि होकर कुछ चेंजेस किए जा सके तो किए जाए क्योंकि पानी की समस्या बढ़ रही है अगली चाइना चाइना के साथ कोई ऐसी ट्रीटी साइन नहीं हुई है चाइना के साथ बस एमओयू साइन हुआ है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग इंडिया और चाइना के बीच में तो कोई ऐसी इंटरनेशनल बॉडी नहीं है एमओयू के साथ प्रॉब्लम ये है जैसे आपके और आपके दोस्त के साथ एक समझौता हुआ कि भाई चलो इस बात पे मान लेते हैं कुछ टाइम तक ऐसे काम करेंगे फिर आपका मूड बदल गया तो आप पीछे हट सकते हैं बिल्कुल वही चाइना करता है चाइना की एमओ है जिसमें वो कभी भी पीछे हट सकता है एमओ तो यू उन्होंने किसके ऊपर किया हुआ है सतलज जो रिवर रिवर है उसमें जो हाइड्रोलॉजिकल डेटा होता है हाइड्रोलॉजिकल डेटा मतलब वो नदी बह रही है तो कितना पानी किस समय में किस एरिया से गुजर रहा है कितना पानी इंडिया पाकिस्तान भेज रहा है कितना पानी चाइना से इंडिया में आ रहा है तो कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर है कितना डैम से वॉल्यूम ऑफ वाटर निकल रहा है ताकि आपके देश को पता रहे कि गर्मियों में इसमें इतना पानी होता है सर्दियों में इतना पानी होता है ताकि आप भी कैलकुलेट कर पाए अगले साल इस सीजन में कितना पानी आना है तो ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग सतलज पे हुई है ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ब्रह्मपुत्र पे हुई है ब्रह्मपुत्र एक बहुत बड़ी नदी है जो कि इंडिया और बांग्लादेश दोनों देश जा रही है और सिर्फ एक एमओ हुआ है चाइना के साथ और चाइना के पास इतनी कैपेसिटी है कि वो अपर रिपरेंट कंट्री होने के कारण यहाँ पर बांध बना के रिवर का फ्लो तक मोड़ सकती है इतनी टेक्नोलॉजिकल कैपेसिटी उनके पास है तो इंडिया और बांग्लादेश दोनों परेशान है कि भाई चाइना हमारी सुनता नहीं है कभी मन किया तो रिवर मोड़ न ले और इसके अलावा एक एक्स्ट्रा लेवल मैकेनिज्म है जिसके तहत वो कॉपरेशन करते हैं जब फ्लड आता है तो कैसे जो डेटा शेयर किया जाए इमरजेंसी में अगर कोई प्रॉब्लम आ गई जैसे ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर ही तो कैसे इंडिया चाहना कोऑर्डिनेट करेंगे इसके ऊपर एक, एक एक्सपर्ट लेवल मीटिंग होती है लेकिन फिर भी कोई एक एग्रीमेंट साइन नहीं है कोई एक क्लैरिटी नहीं इन चीजों की वही इंडिया बांग्लादेश के ऊपर गंगा पर एक एग्रीमेंट हुआ पड़ा है कि भाई कितना पानी शेयर किया जाएगा फर्क का बराज कहाँ बनाया जाएगा कैसे उसमें कितना उसको मैनेज किया जाएगा फिर जो फ्लड मैनेजमेंट का डेटा है इंडिया बांग्लादेश के बीच में वो भी जो मेजर रिवर्स हैं चाहे वो गंगा हो तीस्ता हो या ब्रह्मपुत्र हो उसके ऊपर मानसून सीजन में और बाकी सीजन में इंडिया रूप से डेटा शेयर करता है बांग्लादेश के साथ क्योंकि इंडिया के पास टेक्निकल नोहाव है टेक्नोलॉजी भी है यह बताने के लिए कैसे रिवर का डेटा यूज किया जाता है तो ये बांग्लादेश के साथ है अगर हम भूटान की बात करें तो यहाँ पर भी एक पूरा हाइड्रोमेट्रोलॉजिकल डेटा फ्लड फोरकास्टिंग नेटवर्क स्थापित किया गया है ताकि इंडिया और भूटान दोनों डेटा शेयर कर सकें दोनों तो को जानकारी हो सके और दोनों सीख सकें इसके अलावा एक जॉइंट एक्सपर्ट ग्रुप भी है जो कि फ्लड मैनेजमेंट पे काम करता है भूटान अगेन एक वाटर सरप्लस कंट्री है जहां बहुत सी समस्याएं होती हैं जिनको सॉल्व करने के लिए इंडिया उनके साथ उनको हेल्प करता है और वो एक वनरेबल कंट्री भी है जहाँ काफ़ी सारी नदियां कहती हैं तो ये बातें हैं ब्रॉड और कौन कौन से एग्रीमेंट किसके साथ है ये आपको पता लग गया क्या प्रॉब्लम्स है क्या किसके साथ इंडिया एग्रीमेंट में किस प्रमुख चीज के ऊपर केंद्रित है वो आपको यहाँ पता लग गया प्रॉब्लम आप देख ही रहे हैं इंडिया पाकिस्तान के साथ बहुत मैगनानस है इसके साथ इंडिया अपर स्टेट है और पाकिस्तान लोअर रिप्रेजेंट कंट्री है बांग्लादेश के साथ भी इंडिया काफ़ी ज्यादा उनको सहायता प्रोवाइड करा रहा है लेकिन जो इंडिया के ऊपर बैठा है चाइना वो इंडिया को कुछ प्रोवाइड नहीं करागा तो लगातार कोशिश है कि चाइना के ऊपर दबाव बनाया जाए कि कैसे वो किस तरह इस चीज को सॉल्व करे और अगर हम देखें फ्लड मैनेजमेंट का मेजर इशू क्या है एक जो साउथ एशियन कंट्रीज डेटा शेयर करती हुई है जो हमने ऊपर देखा कि इंडिया बहुत सारा डेटा शेयर कर रही है बांग्लादेश के साथ या फिर पाकिस्तान के साथ वो डेटा को लेकर ट्रांसपेरेंसी नहीं है पाकिस्तान इंडिया में विश्वास नहीं करेगा इंडस वाटर ट्रीटी के तहत इंडिया पाकिस्तान को डेटा देते हैं डैम में कितना पानी स्टोर्ड है कितना पानी मूव कर रहा है दोनों में से किसी को दूसरे पर भरोसा नहीं चाइना जो डेटा दे रहा है उसके ऊपर किसी को दुनिया में भरोसा नहीं है कि चाइना सही डेटा दे रहा है आपको तो एक तो वो है फिर एसेमेट्री की बात आती है एसेमेट्री मतलब एक देश बहुत ज्यादा पावर की स्थिति में दूसरा बहुत कमजोर है ब्रह्मपुत्र तो में चाइना के पास बहुत सारी पावर कैपेसिटी है इंडियन रिवर सिस्टम के, के केस में इंडिया के पास ज्यादा पावर पावर और कंट्रोल है तो ए एसेमेट्री है asymmetry नहीं ए सीमिट्री मतलब एक ज्यादा है इम्बेलेंस है तो एबसेंस ऑफ इंटरनेशनल और रीजनल एग्रीमेंट नहीं है वाटर रीजन के ऊपर वाटर नेशनलिज्म जाग रहा है पानी हमारे राष्ट्र का पानी हम आपको नहीं देंगे

साउथ अमेरिका के बड़े बड़े कंट्रीज हैं उन्होंने उनके बीच में एग्रीमेंट हुआ था कि अमेजन का पानी कैसे वापस में शेयर करेंगे जिसमें आपकी बॉल्विया ब्राजील कोलंबिया गुआना सुरिना वेनेजोला जैसी कंट्रीज़ हैं वो एक आइडियल मॉडल है जिसको फॉलो इस रीजन में भी किया जा सकता है और असल में तो इंडस को भी एक आइडियल मॉडल माना जाता है लेकिन इंडिया के लिए थोड़ा सा वो ज़्यादा ही भारी पड़ रहा है और भविष्य में पानी अगर और कम होगा तो यहाँ और भी विवाद हो सकते हैं क्योंकि वहाँ भी मीटिंग्स जो हर साल दो बार होती हैं इंडस वाटर ट्विटी के अंतर्गत वो नहीं हो पा रही है इंडिया बांग्लादेश के साथ तिस्ता वाटर पर ट्वीटी नहीं कर पा रहा क्योंकि वेस्ट बंगाल को प्रॉब्लम है नॉर्थ बंगाल का, का जो एरिया है वहाँ जो पानी रिक्वायरमेंट होती है जब गर्मी का सीजन आता है खेती के लिए वही पानी बांग्लादेश भी मांग रहा है कि हमें दे दो फिफ्टी परसेंट पानी जो इंडिया देने की स्थिति में नहीं है क्योंकि वेस्ट बंगाल के स्टेट का क्या होगा तो वो सारी समस्याओं का निदान है कुछ ऐसी शेयरिंग जैसे अमेजन में करी है फिर मैकॉन्ग वाटर मैकॉन्ग रिवर कमीशन है जहाँ कंबोडिया लाओस और थाईलैंड और वियतनाम साथ है इनके बीच में 1995 में ये साइन हुआ था सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे की जाए मैकोंग रिवर की उसके ऊपर पर यहां भी खास बात है साउथ ईस्ट एशिया की कंट्रीज ने आपस में, में एग्रीमेंट किया है लेकिन जो अपर रिप्रेंट कंट्री जहाँ से रिवर आ रही है वो है चाइना कई तो रिवर्स ऐसी चाइना से वहाँ आती है और चाइना ने इनके साथ भी कोई एग्रीमेंट नहीं यहाँ भी आप लिख सकते अपने आंसर्स में कि इंडिया कोशिश करेगा कि साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के साथ मिलकर भी ऑन वाटर चाइना के साथ कोलेबरेट किया जाए चाइना पे प्रेशर बनाया जाए कि वो भी टेबल पर आए और नेगोशिएट करे या कोई ऐसा हल निकाले कोई एक साइन या कोई ऐसी कम गन, ये कमिटमेंट दे कि हम इतना आपके साथ डेटा शेयर जरूर करेंगे तो ये बात थी रिवर शेयरिंग की क्रॉस वर्ल्ड वाटर मैनेजमेंट की क्या समस्याएं हैं और क्या इसका निदान हो सकता है देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू वेरी मच हैव नाइस डे